गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई विल टीच यू रोमन नंबर्स। बेटा हम 1 to 50 तक रोमन नंबर्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ें लर्न करनी होंगी। अगर हमें 1, 5, 10 और 50, ठीक है। 1 हम लिखेंगे, अगर हमने 1 लाइन खींची 1 के लिए, 5 के लिए हम V बना देंगे, ठीक है। 10 में हम X लिखेंगे, ये हमारा 10 है, और 50 में हम L लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है बेटा, अगर हम V के आगे 1 लिखते हैं तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। V हमारा 5 है, ये 1, 6 हो गया, ठीक है। अगर हम V से पहले 1 लिख देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर V से पहले हमने 1 लिख दिया तो ये माइनस हो जाएगा, 5 - 1, 4, ठीक है। ऐसे ही हमारा 10 है। अगर हम 10 से पहले अगर बाद में हम 1 लिखते हैं तो ये 10 + 1 हो जाएगा 11, ओके। अगर हम 10 से पहले 1 लिखते हैं तो वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 10 - 1 ये 9 हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ओके बेटा। अब 1 to 10 हम काउंटिंग करें। 1 कैसे लिखेंगे, 1 एक लाइन होती है, ठीक है। 1 में हम क्या करेंगे, 1 लाइन, 2 में 2 लाइन, ओके, 3 में 3 लाइन। अब क्या 4 में 4 लाइन करेंगे, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, 5 हमारे पास है, 1 माइनस करना है, तो ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। ये 5 में हमने 1 प्लस किया, 6 हो गया। 5 में हमने 2 प्लस किया, 7 हो गया। 5 में हमने 3 किया, 3 लाइन की, 8 हो गया, ठीक है। अब 9 कैसे करेंगे, 10 हमारे पास है, ठीक है। 1 हमने माइनस कर दिया, ये हमारे पास 9 हो गया, ठीक है। अब ये 10, ओके बेटा। अब 11 कैसे करेंगे, 10 में हमने 1 प्लस किया, 11, 12, 2 लाइन 12, 3 लाइन 10 में की 13, 10 के आगे 4 लिखा 14, 10 के आगे 5 लिखा 15, 10 के आगे 6 लिखा 16, 10 के आगे हमने 7 लिखा 17 हो गया, 10 के आगे हमने 8 लिखा 18 हो गया, 10 के आगे हमने 9 लिखा 19 हो गया, 10 के आगे हमने फिर एक और x लिख दिया, 10 + 10 कितने हो गए, 20 हो गया। अब हम कैसे करेंगे बेटा, देखो हम छोटे में काउंटिंग करते थे ना, तो हम पहले फर्स्ट वाली लाइन लिख देते थे, ठीक है। अब हम ऐसे ही करेंगे, 20 लिख देंगे हम, ठीक है। 20 की सीरीज हम लिख देंगे, ये हमने 20 की सीरीज लिख दी, ओके बेटा। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे, ओके। 20 में हमने 1 किया, कितना हो गया, 21 हो गया। 20 में हमने 2 किया, 2 लाइंस की, 22 हो गया। 20 में हमने 3 लाइंस की, 23 हो गया। 20 में हमने 4 लिखा, 24 हो गया। 20 में हमने 5 लिखा, 25 हो गया। 20 में हमने 6 लिखा, 26 हो गया। 20 में हमने 7 लिखा, 27 हो गया। ऐसे ही 20 में हमने 8 लिखा, 28 हो गया। 20 में हमने 9 लिखा बेटा, 29 हो गया। और 20 में हमने एक 10 और प्लस कर दिया तो क्या हो गया, 30 हो गया, ठीक है। अब हम वापस ऐसे ही करेंगे, 30 की सीरीज हम लिख देंगे पहले, सिर्फ 40 हम नहीं लिखेंगे, 9 तक लिखेंगे, ठीक है। के 30 की सीरीज हमने लिख दी, ऐसे हमने 30 की सीरीज 9 तक लिख दी, ठीक है। 9 बार में हमने 30 की सीरीज लिख दी। अब वापस हम ये 1 2 वाली लाइन यहाँ पर उतार देंगे 9 तक, ओके। जैसे 30 में हमने 1 लिखा, 1 लाइन लिख दी, ये क्या हो गया, 31 हो गया। 30 में हमने 2 लाइन की, ये 32 हो गया। 30 में हमने 3 लाइंस की,
ये 33 हो गया। 30 में हमने 4 लिखा 34, 30 में हमने 5 लिखा 35, 30 में हमने 6 लिखा ये 36 हो गया। 30 में हमने 7 लिखा ये 37 हो गया। 30 में हमने 8 लिखा ये 38 हो गया। ठीक है, अब 30 में हमने 9 लिखा ये 39 हो गया। अब 40 के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 50 हमारे पास है, 40 में हम 4x नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, 50 हमारे पास है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर हम इसके पीछे कुछ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 50 में से क्या माइनस करेंगे कि हमारे पास 40 आ जाएगा। हम 50 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे हम उसके लिए, ये 10 है ये 50 है, 50 में से 10 माइनस किया 40 हो गया, एक्सएल हमारा 40 हो गया। ठीक है, अब हम फिर ऐसी सीरीज लिखेंगे, 9 बार में हम एक्सएल लिखेंगे। ठीक है बेटा, देखो अब 1 लिखा ये 41 हो गया, 40 में हमने 2 लिखा 42 हो गया, 40 में हमने 3 लिखा 43 हो गया, 40 में हमने 4 लिखा ये 44 हो गया, 40 में हमने 5 लिखा 45 हो गया, 40 में हमने 6 लिखा ये 46 हो गया, ऐसे ही हमने 40 में 7 लिखा 47 हो गया, 40 में हमने 8 लिखा 48 हो गया, 40 में हमने 9 लिखा 49 हो गया। अब हमें 50 तो पता ही है, 50 हमारे पास क्या है, L, ये 50 हो गया, है ना, रोमन नंबर्स की काउंटिंग आसान। अब आप इसे ऐसे लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू।